पश्चिम बंगाल की राजनीति में खेला करने वाली ममता बनर्जी के साथ इस बार खुद ऐसा खेला हो गया कि उन्हें इस बार का चुनाव बहुत मुश्किल लग रहा है। एक तो ममता बनर्जी को बीजेपी ने घेर रखा है, दूसरी तरफ उनकी इंडी गठबंधन में बात नहीं बन पा रही, तो दो तरफ से फंसी हुई ममता बनर्जी के लिए अब इस सियासी मुसीबत से निकलने का यही रास्ता दिख रहा है कि किसी तरह से मुस्लिम वोटों को एकजुट करने के करके अपने पाले में रखें। इसलिए वो ईद पर भी राजनीति करने से नहीं हिचकी। आज ईद के मौके पर ममता बनर्जी कोलकाता के एक इवेंट में शामिल हुई, लेकिन ईद की बात तो पीछे छूट गई। ममता बनर्जी CAA और NRC की बात करने लगी ईद के कार्यक्रम में। ममता बनर्जी ने कह दिया कि वो बंगाल में CAA, NRC और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होने देंगी, इसे वो किसी को जबरदस्ती लागू नहीं करने देंगी। उन्होंने कहा कि वो खून बहाने को तैयार हैं, लेकिन अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। ममता ने यह भी कहा कि जब तक वो जिंदा हैं, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ममता बनर्जी ने कहा कि जांच एजेंसियों के नाम पर सबको डराया जा रहा है, इसलिए वो बीजेपी को कहना चाहती हैं कि एक जेल बना दो और सबको जेल में डाल दो। सुनिए NRC, CAA और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ममता बनर्जी का बयान, फिर ममता बनर्जी के ठंडा ठंडा कूल कूल वाले हथियार के बारे में बताता हूं। खुदी कुकर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खोगा बंदे से खुद पूछे बता करी राजा क्या है। अमर राजा की अमर इच्छे सर्वधर्म समन्वय, अमर इच्छे अपनादेर निरापत्ता, अपनादेर जीवन। नो NRC, नो कैर, नो यूनिफॉर्म सिविल कोड। ममता बनर्जी के बयान से साफ है कि उन्हें इस बार लोकसभा चुनाव में बंगाल में खेला होने की आशंका डरा रही है शायद, इसलिए बंगाल में चुनाव से पहले लोगों को दंगों का डर दिखाकर वोट साधने की कोशिश हो रही है। ममता बनर्जी कह रही है कि लोग आएंगे, भड़काएंगे, दंगा कराएंगे, लेकिन आपको कूल कूल रहना है, ठंडा ठंडा कूल कूल। पहले ममता बनर्जी को सुनिए, फिर ममता बनर्जी के इस बयान की वजह आपको बताऊं। अरे लोग, किसका नाम पे आपको नाम है, दंगा करने चाहता है। कोई दंगा करने अगर आते हैं, आप चुपचाप रहो, माथा ठंडा रहो, बिल्कुल आप रहे कुल कुल, हम रहेगा कुल कुल। उसको दंगा फसाद का चक्रांत हम नहीं करने देंगे। एक चक्रेट बम भी बम फटते हैं, AIA को भेज देता है, सबको अरेस्ट कर लो। सबको अरेस्ट करते करते तुम्हारा देश ही सुनना हो जाएगा। ममता बनर्जी कह रही हैं कि कूल कूल रहो भैया, कूल कूल। ममता बनर्जी इस तरह की बातें इसलिए कह रही हैं क्योंकि उन्हें मुस्लिम वोटों के बढ़ जाने का शायद डर है। मुस्लिम वोट अगर कांग्रेस और लेफ्ट के पाले में गए तो ममता बनर्जी को चुनाव में बहुत मुश्किल आ जाएगी। दूसरी तरफ संदेश खाली का मामला उनकी राजनीति को बहुत भारी पड़ रहा है क्योंकि बीजेपी लगातार संदेश खाली के मुद्दे को उठाए हुए है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी कल संदेश खाली के मामले की CBI जांच के आदेश दे दिए, इससे भी ममता सरकार की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। CBI की टीम ने संदेश खाली की जांच भी शुरू कर दी है। संदेश खाली की पीड़ितों तक पहुंचने के लिए CBI ने एक ईमेल आईडी जारी किया है। यह ईमेल आईडी है sandeshkhali@cbi.gov.in। ऐसे पीड़ित जो किसी डर या दबाव की वजह से सामने नहीं आ रहे हैं, वो ईमेल के जरिए भी CBI को अप्रोच कर सकते हैं। हाईकोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक ही CBI ने यह ईमेल जारी किया है और लोकल अथॉरिटी से इस संबंध में जगह जगह नोटिस लगाने के लिए भी कहा गया है। CBI को इस मामले में 2 मई तक अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपनी होगी। संदेश खाली के मामले में अगर ममता बनर्जी पहले से एक्शन लेती हैं तो उन पर शेख शाहजहां जैसे नेताओं के संरक्षण का आरोप नहीं लगता, लेकिन इंडी गठबंधन की पार्टियां खुद कुल्हाड़ी पर पैर मारती हैं। इसका एक उदाहरण बिहार है, जहां RJD जैसी पार्टियों के नेता PM मोदी पर पर्सनल अटैक करके PM मोदी का ही काम आसान कर रहे हैं। बिहार में लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने PM मोदी को जेल में डालने की धमकी दे दी। बिहार की पाटलिपुत्र सीट से RJD कैंडिडेट मीसा भारती ने कहा कि अगर चुनाव के बाद इंडी गठबंधन को जनता ने मौका दिया और सरकार बन गई तो प्रधानमंत्री समेत BJP के सभी नेता जेल के अंदर होंगे। मीसा भारती ने 2 बार PM मोदी के जेल जाने को लेकर बयान दिया, पहली बार एक इंटरव्यू में बयान दिया था और अब एक चुनावी रैली के दौरान यह बात कही। सुनिए मीसा भारती ने क्या कहा, उसके बाद बताऊंगा मीसा भारती के बयान पर BJP ने क्या पलटवार किया। जो इंडिया गठबंधन है 30 लाख रोजगार दे रहा है, उसमें उनको तुष्टिकरण दिख रहा है। किसानों की आय दुगनी करने की हम बात कर रहे हैं, हम MSP लागू करने की बात कर रहे थे, उनको तुष्टिकरण नजर आ रहा है। आज बेटे के लिए वोट मांगने गए थे, काहे ने परिवारवाद पे बोले, वो बंद हो गया प्रधानमंत्री जी का। इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे कौन जवाब देगा,
जब आते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का, जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता है जेल के अंदर बंद हो। मीसा भारती तो चैलेंज कर रही कि सरकार बन गई तो नरेंद्र मोदी को जेल में डाल दें। मीसा भारती ने पीएम मोदी को जेल भेजने की बात कही तो बीजेपी ने उन्हें उनके पूरे परिवार का इतिहास याद दिला दिया। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा वो सुनिए, फिर चुनाव के बीच कांग्रेस में मची भगदड़ के बारे में बताऊंगा। क्या हो गया मीसा भारती को, शर्मिंदगी की पराकाष्ठा है? जिनके पिताजी चारा घोटाले में कन्विक्टेड हैं, जिनका परिवार नौकरी के बदले घूस लेने और भ्रष्टाचार में कार्रवाई चल रही है, वो मोदी जी ऐसे देवता तुल्य ईमानदार नेता पर इस तरह की शर्मनाक बात करेंगे? प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए हैं ना वो। मीसा जी कृपया करके इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी न करें। ऐसा लग रहा है जैसे इंडी गठबंधन में शामिल पार्टियां एक लिस्ट बनाकर बैठी कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो क्या क्या तूफान मचा देंगे। लेकिन दिक्कत तो यह कि इंडी गठबंधन की हालत इतनी बुरी है कि सत्ता में आने का मौका मिलना अभी मुश्किल दिख रहा है। इंडी गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस की हालत तो ऐसी हो गई कि हर दिन उनका कोई ना कोई नेता छोड़कर बीजेपी में जा रहा है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं की लिस्ट में आज रोहन गुप्ता का भी नाम जुड़ गया। रोहन गुप्ता करीब 15 साल तक कांग्रेस से जुड़े रहे और पार्टी में कई अहम जिम्मेदारियां निभाई। पिछले महीने कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद रोहन गुप्ता ने आज बीजेपी की सदस्यता ले ली। रोहन गुप्ता ने कांग्रेस से इस्तीफा देने की वजह भी बताई। रोहन गुप्ता ने कांग्रेस की नीतियों पर सवाल उठाए और दावा किया कि कांग्रेस में सनातन के अपमान पर चुप रहने को कह दिया जाता है। यानी एक और व्यक्ति जो सनातन का अपमान न सह सका और कांग्रेस छोड़कर चला गया। इसके पहले गौरव वल्लभ यही बात कहकर निकले कि भाई राम मंदिर में जो हुआ, उस कार्यक्रम में जो हुआ और सनातन का जो अपमान हो रहा है इंडी गठबंधन में, वो बर्दाश्त नहीं हुआ।